हर हर महादेव, जय श्री राम, जय हो भगवान जी, करा कृपा करा रक्षा करा कल्याण। और देखिए, जहाँ तक बात है आज के दिन का, तो क्या है कि कुछ दिन से हम बस यही बैकग्राउंड, यही वॉलपेपर, यही कुर्सी, यहीं पे बैठे बैठे सब कुछ आपको बता रहे हैं। आप खुद समझ सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे बैठ के सब कुछ से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मतलब टाइम नहीं मिल पा रहा है कि उतना मतलब घूम सके, और भी उसके साथ बहुत सारा चीज़ है, मतलब कुछ एक्सप्लोर कर सके, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, मतलब ना घूम फिर कर रहे हैं, ना भी फिलहाल काम चल रहा है, बहुत ठीक ठाक चल रहा है समझिए, तो इसी कारण ज़्यादा घूमने फिरने का टाइम भी नहीं मिल पाता है, तो ज़्यादा जगह एक्सप्लोर भी नहीं कर पा रहे हैं, और आप लोग को भी नहीं दिखा पा रहे हैं, आप लोग को भी देखने को नहीं मिलता होगा, आप लोग भी बोर हो रहे होंगे कि अल्लाह खाली यही दिखाता है, एक एक रूम में बैठा हुआ है, एक एक रूम में बकचोदी करता है, बकैती करता है, इधर कभी इस सोफा पे बैठता है, कभी वो कुर्सी पे जाके बैठता है, और ऐसे ही बोलता है। तो हम क्या करें, तब ऐसे नहीं करें तो क्या करें, हैं? अब सबके दिमाग में यही चल रहा है कि हाँ मतलब सही तो बोल रहे हैं, कैमरा थर थराने लगा, बताइए हैं? अब ठीक हुआ कि नहीं? हाँ, जब एक बार हंस देते हैं ना तो कैमरा सही हो जाता है, एक बार हंसते हैं तो फिर खराब हो जाता है, दो बार हंसना पड़ता है, समझे? आज भी था, देखिए सबका छुट्टी रहता है सैटरडे संडे, पर मेरा काम रहता है सैटरडे संडे, समझे कि नहीं? तो आज भी हुआ है, काम हुआ है, काम के समय में कोई खाना पीना नहीं, कोई मतलब ये नहीं, समझे कि नहीं? खाना पीना आप पे ध्यान दीजिएगा तो फिर काम भी नहीं हो पाएगा, और गैस बन जाता है, गैस खाली पेट में, खाली पेट भी ज़्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए, उससे क्या होता है गैस बन जाता है और दर्द करता है यहाँ पे, समझे कि नहीं? पहले हमको लगता था कि ये गैस बनता है तो कैसे दर्द करेगा, गैस बनेगा तो आदमी पादेगा और क्या करेगा, पर आज हमको पता चला है कि नहीं भाई, गैस बनता है तो बहुत दर्द करता है यार, गैस सही में बहुत ख़तरनाक चीज़ है। पहले वही ना होता है कि ऑन एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट एक्सपीरियंस इन द वर्ल्ड, वही वाला बात है कि भाई जब आपको किसी चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं होगा ना, तब तक आपको वो चीज़ का मतलब कुछ समझ में नहीं आएगा, कोई कितना भी कुछ बोलेगा, कितना भी कुछ रहेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि हाँ सही है कि गलत है, क्या है नहीं है, जब आपके साथ वैसा चीज़ होगा ना तब पता चलेगा कि सब भाई सही बात है, ऐसे है, ये होता है, समझे? तो वही बस बात है, डेली का यही रूटीन चल रहा है, सुबह सुबह उठना है, साफ़ सफाई करना है, स्नान वगैरह करना है, खाना पीना बना के खाओ कि ऑफिस आइए, ऑफिस में काम धाम कीजिए, फिर शाम को जाइए, खाना पीना बनाइए, भजन कीर्तन सुनिए और सो जाइए, फिर आराम से वही बस चलता है रूटीन। और हाँ, ये जो वीडियो वीडियो जो आपके साथ शेयर करते हैं, ये सब थोड़ा रिकॉर्ड वकॉर्ड करके अपलोड कीजिए, बस वही चल रहा है अभी ज़िंदगी में। और उसके अलावा सबसे ज़्यादा जो चल रहा है वो चल रहा है डिप्रेशन, वो चल रहा है परेशानी, समझे कि नहीं? जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे उम्र बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे टेंशन परेशानी बढ़ते जा रहा है, बस मेरा एक बाल नहीं उड़ता ना तब मेरी ज़िंदगी में कोई टेंशन ही नहीं रहता है, अला 90% तो टेंशन इबाले के कारण है, समझे कि नहीं? कोई नहीं, जिससे जितना प्यार रहता है ना, वो कभी भी किसी चीज़ से ज़्यादा प्यार नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो बहुत जल्द आपसे छीना जाएगा, समझे कि नहीं? और जब वो चीज़ जाएगा तो फिर बहुत दिक्कत होगा, बहुत तकलीफ़ होगा, इसीलिए कहते हैं कि संत टाइप का बनिए, संत आदमी टाइप का, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या जा रहा है, नहीं जा रहा है कि नहीं, कौन आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है, मरा रहा है, यही सब बात है, और बाद बाकी सब कुछ ठीक है, लव यू, यही सब बोलने में लाजू लगता है, बाद बाकी ठीक है सब कुछ, फिर कल बात कर लेते हैं, कुछ बातचीत कर लेते हैं, है कि नहीं? मन लगा रहेगा आपका भी, हमारा भी, है कि नहीं? और इसी के साथ हर हर महादेव, जय श्री राम, ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, मिलते हैं, कल बात करते हैं, जय श्री राम।